छुरा खोप दिए, कहते हैं खून तो नहीं निकला। चाकू भाग स्वार्थी कहीं के, बड़े ही स्वार्थी हो। असु सुरा भी शंकर ही आप रमा मोचार, असु सुरा भी शंकर ही। सुनो असुर असुरा विष शंकर ही आप रमा मनचार, स्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, हमेशा कपट का काम कर रहते हो, समझते क्या हो अपने आप को। आज पाला पड़ा है नारद का, आज तुमसे नारद का पाला पड़ा है, आज ही तुम्हें मालूम हो। श्राप की मरी हो जाई, जैसा जग मरु उपहास कराए। सुनो विष्णु, जिस प्रकार से बंदर का मुख बना करके तुमने मेरा उपहास कराया है, स्त्री के चक्कर में मैं तुम्हें श्राप देता हूं, सामने त्रेता में स्त्री के ही चक्कर में जंगलों जंगलों पहाड़ों पहाड़ों भटकते फिरोगे, उस समय यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान जी, तुम्हारा श्राप त्रियोधार है, तुम्हारा कोज सुधार है, ऐसा ही होगा। भगवान अपनी माया हर लेते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूं? ये मुझे क्या हो गया, मैं क्या बोल गया हूँ? भगवान मुझे क्षमा करें, ये मेरे मुख से बहुत सारे दुर्वचन निकल गए हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें भगवान। बोला नहीं मुनिवर, कोई भी काम मेरी इच्छा के बगैर नहीं होता, मुझे श्राप दिया है, यह भी मेरी इच्छा ही है, प्रभु नारद, प्रभु मेरी आज्ञा। प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि हे भगवान, यह मेरी बात मुख से निकले हुए वचन मिथ्या हो जाए, लेकिन संभव नहीं है। चलिए भगवान मुझे क्षमा करिए, अब भगवान शिव की तपस्या करने के लिए मुझे माफ करिए। भजा हूँ जाहि शंकर सतनामा। ठीक है भगवान, ठीक है। नारायण नारायण। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कपट किया है, उसके लिए भी दंड तुम लोगों को अवश्य ही मिलेगा। सुनो जाहु निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, हसे मुनि पुनि ले फल, बहुरी हसे मुनि तो जाओ, घोर राक्षस हो जाओ। त्राहना प्रभु, हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु? जय और विजय सुनो, कहिए मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस तो हो नहीं सकता, राक्षस कुल में तो तुम्हें अब जाना ही होगा। और सुनो, तुम्हारा नाम होगा रावण और उसका नाम होगा कुंभकर्ण। त्रेता आने पर यही हमारे भगवान नारायण जब रामा अवतार में आएंगे, उस समय तुम अपने प्रताप से पूरी धरती को त्राहिमाम त्राहिमाम करवा दोगे। उस समय उनकी भार्या उनकी पत्नी को हर कर ले जाओगे, और उसी लिए लंका में जाकर तुम दोनों का वध करके उद्धार करेंगे, तब तुम लोगों की मुक्ति हो जाएगी। जो आज्ञा हो प्रभु। तुम्हारा नाम रावण और तुम्हारा नाम कुंभकर्ण होगा। चलते हैं अब। नारायण नारायण नारायण।
गुरुवर मेरी बात ध्यान देकर सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभो अधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, इस प्रबल दुखों ने घेरा है। बतलाइए राजन, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वह जल ही क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न। और सुनिए गुरुवर, गुरुदेव उपाय यही अब हो, तब जो यह प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा अभिनंदित हो जाए। और सुनिए गुरुवर, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि आगे का वंश चले। ठीक है राजन, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। ठीक है गुरुवर, बतलाइए, शीघ्र ही बतलाइए। हमारी बात को सुनिए आप। कहिए गुरुवर। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता को चिता जलाती है, चिंता निर्जीव को खाती है। गुरुवर, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, जीव को स्मरण बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ को करता है, अब बेटा तो बंत चलाता है। अब तक सब महान भाव ने अपना यश मान कमाया है, क्या धूप लादी आदियों का पुत्रों ने नाम कमाया। सुनिए राजन मेरी और बात सुनिए। कहिए गुरुदेव। इच्छा है अगर पुत्र ही की, इस समय पुत्र निष्ठान करो, पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। गुरुदेव, और हमारी बात को सुनिए राजन। कहिए गुरुदेव, जो कहना चाहते हो शीघ्र कहिए।
पुत्रस्ति यदि विशेषक है, श्रृंगी ऋषियों को बुलाना है, वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बना। गुरुदेव महाराज, आपके जो गुरु श्रृंगी ऋषि हैं, आप उनको बुलवाइए। ठीक है गुरुदेव, यदि आपका यही विचार है तो मैं श्रृंगी ऋषि को तुरंत बुलवाता हूँ। दरबारी जाओ, श्रृंगी ऋषि को सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, अति शीघ्र जाइए। समापि मंगलाम चकर्तारो वंदे बाण विनायको मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडकचाय तनो हरि। महाराज महाराज ये फल जो है चार तीन भाग करके पहले एक भाग में कौशल्या को और दूसरे भाग कैकेयी को तीसरे भाग सुमित्रा को खिला देना और आपको आपको संतान का उत्पत्ति हो जाएगा। महाराज चिंता न करें। ठीक है गुरुदेव,
जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जाओ राजन, लाइए गुरुदेव, हमें दीजिए। लीजिए इस फल, तीनों रानियों को खिला दें, अवश्य ही आपका मनोकामना पूरा होगा। ठीक है गुरुदेव। आयुष्मान भव राजन। बोल रहा था दशरथ की।